हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर शहजाद सईद हूँ। मैं इस्लामाबाद आई सेंटर में कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से डबल फेलो हूँ, एक फेलोशिप ऑफ्थल्मोलॉजी में और दूसरी विट्रियो रेटिनल सर्जरी में। आज मैं आपको सफ़ेद मोतिये के बारे में तफसीलात से आगाह करूँगा। सफ़ेद मोतिया कुदरती लेंस का धुंधला जाना, ये दुनिया में भी और पाकिस्तान में सबसे मेन कॉज है जो नज़र को कम करती है और जो काबिले इलाज है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन आँख के सफ़ेद मोतिये के होते हैं। काफ़ी लोगों की इस सिलसिले में मालूमात मुकम्मल नहीं है और जो हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ लेटेस्ट जो इसमें ट्रेंड्स हैं उनके बारे में मैं आपको मुतला करूँ। सफ़ेद मोतिये की मेन वजह ज़्यादा उम्र है। 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में ये कॉमनली होता है। जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ हो उनमें ये जल्दी भी आ सकता है। इसके अलावा चोट लगने से भी मोतिया आ सकता है और कई दफ़ा बच्चे को पैदाइश से ही मोतिया हो सकता है। सफ़ेद मोतिये के लिए सवाए सर्जरी के कोई दूसरा इलाज नहीं है। कुछ ड्रॉप्स हैं जो क्लेम करते हैं कि ये सफ़ेद मोतिये को रोक लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनका इफ़ेक्ट हमने देखा है इतना ख़ास नहीं है। सफ़ेद मोतिये के लिए अब जो सर्जरी होती है, जिसको आम जबान में लेज़र सर्जरी के नाम से लोग जानते हैं, वो फेको इमल्सिफिकेशन है। फेको इमल्सिफिकेशन में हम 1.8 मिलीमीटर का सुराख रखते हैं और उस सुराख से हम लेज़र प्रोब डाल के मोतिये के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद जो लेंस हम आँख के अंदर मस्नूई लेंस डालते हैं वो भी फोल्ड करके उसी छोटे से सुराख में से जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि इसके लिए ना कोई टीका लगाना पड़ता है, ना कोई टांके की ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ हॉस्पिटल आता है, सर्जरी होती है और वो घर चला जाता है, उसको हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत नहीं होती। अब हम ऑपरेशन के बाद पट्टी भी नहीं लगाते तो पहले दिन से ही मरीज़ को नज़र आना शुरू हो जाता है। इस सर्जरी में जो पुराने ज़माने के मुताबिक ना मौसम का कोई फ़र्क है, ना कच्चे पक्के होने का कोई फ़र्क पड़ता है, बल्कि अब हम ये चाहते हैं कि मोतिया ज़्यादा पकने से पहले ही हम ऑपरेट कर दें, क्योंकि लेज़र की सर्जरी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सेफ़ होती है अगर मोतिया बहुत ज़्यादा ना पका। सफ़ेद मोतिये में जो लेंसेज डालते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जो कट वाला ऑपरेशन होता था उसमें नॉन फोल्डेबल लेंस डलता था, लेकिन अब फेको इमल्सिफिकेशन में फोल्डेबल लेंस डलते हैं। ये लेंस दो किस्म के होते हैं। एक मल्टीफोकल लेंस होता है जो दूर और नज़दीक दोनों की नज़र को ठीक कर देता है, और दूसरा मोनोफोकल लेंस होता है जो दूर की नज़र को ठीक कर देता है लेकिन नज़दीक के लिए आपको नॉर्मल डेढ़ या दो नंबर की ऐनक लगानी पड़ती है। इस लेंस की कोई मियाद नहीं होती। अगर हम बच्चों में भी ये लेंस डालेंगे तो ताहयात यही लेंस उनकी आँख में डला रहेगा और इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।